लोकतंत्र का राज है वो, जनता की आवाज है वो, जिसकी धुन पे गिर के जन गण, वो जादू का साथ है वोट, रेडी टू वोट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सचिन पाटिल है और पेशे से मैं पत्रकार हूँ। और जिस तरीके से अभी 2-3 महीने ही बस बचे हैं आम चुनावों के लिए, तो ऐसे में मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने मताधिकार का पालन पूरी तरीके से करिए। आप बिल्कुल भी इसमें लाट लपेट बिल्कुल मत रखिए। यदि आप दूसरे शहर में रहते हैं और जिस शहर का आपका वोटिंग आईडी है वहां नहीं जा सकते, तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। यदि आप पॉसिबल है तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि एक एक मत जो है वो भारत को संवैधानिक तौर पर मजबूत बनाता है। हमारी जो संस्थाएं हैं वो हमारे ही मतों से चलती है। हम जिनको चुन करके भेजते हैं वही संसद में बैठते हैं और वही हमारे लिए कानून बनाते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सरकार कोई भी हो हमें क्या, हमारे जीवन में क्या सुधार, ये बहुत ही नकारात्मक बात होती है। दरअसल आपका एक एक वोट जो होता है वो आपके जीवन को तय करता है। आप जिस सरकार को चुनते हैं वही सरकार आपके लिए सही है। और मैं यही अपील करूंगा हर किसी से कि आप अपने मत अधिकार का पालन जरूर करें। मतदान लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और लोगों के लिए अपनी बात रखना जरूरी है। सभी को वोट देने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि सभी भारतीय अपनी पसंद के अनुसार वोट कर सकते हैं। मैं सीमा हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ और जब मतदान का दिन आता है तो मैं अपने वोट देने जरूर जाती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे एक वोट से लोगों की जीत या हार होगी और हमारा सही नेता चुना जाएगा। तो मतदान के दिन जरूर जाते हैं। काम तो बाद में करती हूँ लेकिन मतदान पहले करने जाती हूँ। मतदान करके फिर मैं घर आती हूँ, सारा काम फिर जो भी होता है आहिस्ते आहिस्ते बड़े आराम से करती हूँ और अपने घर परिवार को भी जागरूक करती हूँ। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव, करे राष्ट्र का जो उत्थान, करे उसी को हम मतदान। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये, वोट करे सब मिलकर तो बन जाए जनमत। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। जब हम पहली बार मतदान के लिए तैयार होते हैं तो वो होता है एक नया अनुभव। नमस्कार, मेरा नाम मनीष भट्ट है और मैं मूल रूप से उत्तरांचल का रहने वाला हूं और अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा हूं। मैंने 2023 में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मैंने अपने राज्य उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के लिए पहली बार अपना मतदान किया था। और मतदान के लिए मैंने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन अपनी नज़दीकी नगरपालिका केंद्र में किया था और कुछ ही दिनों में मुझे भारतीय डाक के माध्यम से मेरा वोटर आईडी कार्ड प्राप्त हुआ। और जब मतदान कर्मियों ने मेरे हाथ में वोटर स्लिप दी उसके बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे एक आंतरिक सुखद अनुभूति हुई और मुझे लगा मैं भी इस देश का एक सशक्त और जिम्मेदार नागरिक हूँ और वास्तव में भारतीय लोकतंत्र का एक हिस्सा हूँ। और अभी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मैं बड़ा उत्साहित हूँ और मेरी मतदान करने की बहुत इच्छा है। और चूंकि मैं दिल्ली में अध्ययन कर रहा हूँ तो मैं मतदान करने के लिए अवश्य वापस अपने घर उत्तराखंड जाऊँगा और वहाँ लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करूँगा। मतदान करके आप बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि आप अपने मत का प्रयोग करके देश के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। मतदान अधिक नागरिक रूप से जुड़ने का एक तरीका है। मेरा नाम पुनीत त्रिपाठी है और मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड सबसे पहले 2012 में बनवाया था और उसके बाद ही मैंने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने मत का पहली बार मैंने प्रयोग किया था। उस समय जो मुझे प्रसन्नता मिली थी वो मुझे इस चीज की थी कि मेरे पास पहला कोई सरकारी पहचान पत्र मेरे पास आया हुआ, जिसका आवेदन मैंने घर पर ही बैठे बैठे मैंने ऑनलाइन किया था और कुछ ही समय में मुझे मेरे घर पर वो डाक के माध्यम से प्राप्त हो गया था। उसके बाद जो मैंने अपनी प्रसन्नता जो मैंने प्राप्त की वो अतुलनीय है। और उसके बाद मैंने दो बार
लोकसभा चुनावों के लिए अपना मतदान दिया और अब एक बार फिर से मैं उत्साहित हूँ। जिनके पास कोई आवाज नहीं है, यदि वो बदलाव लाना चाहते हैं, तो मतदान एक बेहतरीन तरीका है। मतदान एक नागरिक कर्तव्य है जो हमारे देश के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मतदान एक संवैधानिक अधिकार है और जब एक व्यक्ति पहली बार मतदान के लिए तैयार होता है तो वे एक नई दिशा में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी बात रखी। पहली बार मतदाता बनने पर वो कैसा महसूस करते हैं? मेरा नाम दीपिका वर्मा है और मैं पब्लिक सेक्टर में काम करती हूँ। मैं कुल 4 बार वोट दिया है मैंने। मेरे हिसाब से वोट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे देश में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने सबसे पहली बार वोट दिया था, वो पल मेरे लिए बहुत खास था। मैं सुबह सुबह वोट देने के लिए तैयार हो गई थी और मैं सबसे पहले पहुँच गई थी वोटिंग बूथ पर। वहाँ वोट देने के बाद जब निशान लगाया गया मेरे नेल पे, मुझे इतना अपने ऊपर प्राउड महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पा रही हूँ। मैंने अपने सारे दोस्तों को दिखाया और वो सब भी वोट देकर आए थे। मुझे देश का एक जागरूक नागरिक होने का एहसास हुआ। भारत में सबको वोट देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और ये एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है अपने विचार व्यक्त करने का। मतदान से हम अपने देश के लिए फैसले करते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसलिए सबको मतदान में हिस्सा लेना चाहिए और भारत में हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है और मुझे लगता है कि सबको इस अधिकार का इस्तेमाल पूरे रूप से करना चाहिए। जब हम पहली बार मतदान के लिए तैयार होते हैं तो वो होता है एक नया अनुभव। मेरा नाम सृष्टि है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके अपने पसंद की सरकार को चुन सकती हूँ। और मैं अपने युवा साथियों से भी यही कहना चाहूँगी कि वोट देने ज़रूर जाएं क्योंकि ये हमारा अधिकार है जिससे कि हम अपने पसंद की सरकार को चुन सकते हैं और देश की प्रगति में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए हमें वोट करने ज़रूर जाना चाहिए। ये अनुभव हमें नागरिक के रूप में सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है। पहली बार मतदाता बनना एक गर्व का क्षण होता है। ये हमें समाज के सकारात्मक बदलाव के साथ साथ जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। लोकतंत्र एक प्रकार की सामाजिक न्यायाधिकरण है जो लोगों को सत्ता के निर्देशन में सहयोग करने की अनुमति देती है। मतदान इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतदान का मतलब है कि हमारे अधिकारों का प्रयोग होना, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम अपने पसंदीदा सरकार का चयन कर सकते हैं। मतदान हमारे समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता को दिखलाता है। ये हमें विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को समझने का मौका देता है। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट।